सो गाइस आज का थर्ड पॉइंट पे आए हम जो कि है जू। मैं ठीक पीछे देख सकते हो वहाँ पे है जू एंड जू का एंट्री है जस्ट 110 रुपीज पर पर्सन। हाँ तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे आपको लाइन रुकना पड़ेगा कुछ नहीं तो भी 10-15 मिनट ही लगेगा, बस इतना नहीं है, सिर्फ एक पर्सन लाइन पे रुका तो भी काफ़ी है। ओके सो गाइस अभी जस्ट हम लोग ने जू में एंट्री कर लिया है, जरा दिखाता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बोर्ड दिया है कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मोस्टली सब चीज़ें उधर है तो उधर देखते हैं। चलो यहाँ पे ना काफ़ी सारे क्राफ्ट के शॉप्स है, डेफी शॉप, बैठने को एरिया है अच्छा खासा, जस्ट यू नो फॉलो द रोड करके दिया है एंड आगे वहाँ से स्टेयरकेस दिया है, देखते हैं स्टेयरकेस से जाना है या नीचे से जाना है। हाँ बकरी, सिंह वाला बकरी, अरे हाँ सिंह वाले बकरी होते हैं बराबर। ओके तो यहाँ पे एक यू नो छोटा वाला बकरी है, पहला पॉइंट यही था एंट्री मार के। देन हम जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ पे है बड़े वाली बकरियाँ, सी आई गेस इसको आइबेक्स बोलते हैं। पटाओ हम चले थर्ड वाले के पास। कीप द जू क्लीन, कितना मस्त एनवायरनमेंट है यहाँ पे सी। वाह 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 वाह, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। हाँ यहाँ पे लिखा है क्या है, मार्कोर लिखा है यहाँ पे सी, इसका नाम है मार्कोर। सो लेट्स सी क्या है मार्कोर। ओ बॉय सी कितना मस्त दिख रहा है, क्यूट है देखो। ओ वहाँ पे भी है सी, कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे मंकी है, लंगूर है बेसिकली सी। वो साइड पे वहाँ पे है लंगूर सी, केज के अंदर है। बाकी अभी जब अभी तक जितना देखा सब अपने को गोट ही मिला है। यहाँ पे क्या है? रेंडियर, रेंडियर, रेंडियर। ओके रेंडियर है यहाँ पे, देखते यहाँ पे बोर्ड दिया है, बोर्ड में सब बता है। सांबार एक्चुअली, सांबार डियर है। कसम ये क्या फेंक रहे हैं, देखो रूसा, इट्स कॉल्ड रूसा, यू नो इट्स वेरी यूनिक, इट्स अ प्रजाति ऑफ डियर, यू नो वेरी रेयर प्रजाति, ओनली फाउंड इन आउट ऑफ इंडिया, बट समटाइम्स दे आर यू नो। क्या फेंक रहा है, कहाँ है कहाँ है? ओ देखो वो कोने में दिख रहा होगा। तो सांबार डियर तो दिखाया, उसमें सिंह वाला भी था, दो था एक्चुअली, आई गेस एक बारह सिंगा भी था वहाँ पे। बकरी 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 उधर भी था, इधर भी है। अरे क्या दिख रहा है बकरी, वाह लगता है यार पूरा बकरिया ही है इधर। इसका भी नाम होगा शीप, देखो इसका नाम यहाँ पे दिया है ब्लू शीप, नाम है ब्लू शीप। हाँ है ब्राउन, अच्छा पैर काला, अच्छा ब्लू क्या उसमें, ब्लू तेरे टी शर्ट वो अच्छे भाई वो बताया नहीं तूने ब्लू क्या था, पता नहीं भाई अभी सबका अलग अलग थ्योरी चल रहा है। आँख उसकी आँख। ओके चलो चलते। ओके एक और पॉइंट आया यहाँ पे है, अबे हॉर्स, कौन बोला हॉर्स है किधर है रे, ओ आपा आपा है वो, देखो वो कोने में तू बैठा ना जितने इस पे, ये इतना छोटा नहीं रे बड़े में बैठा था, वो पिल्लू है तो बेबी से ये लोग से नहीं होगा उठाने। तो यहाँ पे भी है केज, ये शायद उस साइड से दिखेगा हमें, देखो बाकी सी यहाँ पे है मिशमी टकिन, देखते कहाँ पे है भाई, बिल्कुल नहीं है, गायब है ना साइड ले भाई, को दिख रहा है क्या? अरे नहीं है यार वो कोने में, वहाँ पे एक छोटा सा छुपा हुआ दिखेगा। बार्किंग डियर आ गया, नेक्स्ट टाइम दिख रहा है तुम लोगों को वो सामने सर सर देख देख
कहाँ है? वो देख, वो उधर है, चपरे के नीचे है। ओ देखो उधर है। सलमान खान नहीं आने हो सके तो मैं जूम मार के दिखाऊंगा। वो छोटा है यार, इसमें कैसे जी लेते लोग पता नहीं। देखो वो कोने में पीछे तो कमेंट कर देना। यहाँ पे एक और है, इसका नाम है हिमालयन कोरल करके दिया है और बार्किंग डियर ही है यहाँ पे भी। सी वो कोने में दिख रहा है एक, अरे घंटा दिखेगा इसमें, मैं ज़ूम मार के दिखाऊंगा। सो देखो यू आर अंडर सीसीटीवी, यहाँ पे बताया है। एंड यहाँ से ऊपर देख, वहाँ पे लिखा है। ओ वहाँ पे एक है, HMI क्या है? HMI अरे अरे संगठन है, अरे संस्था संस्था, वो मेमोरियल, वो अलग वाला है। अबे माउंटेनियरिंग है उधर, चल वो उसका भी पैसा भरा है अपन ने। सो यहाँ से हमें दिख रहा है यहाँ पे हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट, इसका भी प्राइस आता है वो 110 रुपीस में ही था ये भी। सो यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग, देख सकते हो यार। देखो यहाँ पे काम चालू है भाई दो, एंड यहाँ पे बताया बोर्ड दिया इसके बारे में। बाकी क्या, निकलते हैं अंदर। काफी साइलेंस है यहाँ पे। सी दिस इज द बोर्ड एंड ओ एक मिनट, एक्टिविटी भी है यहाँ पे। ये देखो एक छोटा सा एक्टिविटी भी है, ट्री टॉप रोप कोर्स करके, आई गेस इंक्लूडेड ही है उसमें, इसके लाइन रुकना पड़ता है। देखो वहाँ पे मस्त स्टैचू लगा हुआ है। देखो माउंटेनियर कितना मस्त बना है, देखो सुनना, अपन ने पैसा भरा है, शायद अपनी को फ्री है। नो नो नो, नहीं भाई नहीं, देयर इज सेपरेट काउंटर फॉर एवरी एक्टिविटी, सी देयर इज रेट्स। ओह ये भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, अगर आपको ये सब एक्टिविटी करना है तो इसका अलग से पैसा लगेगा। वहाँ पे दिया है काउंटर एंड वैसे प्राइस भी बताया है। सी एंजॉय कर रहे लोग। चलो अंदर देख के आता हूँ। बंद है क्या? अच्छा बाहर से देख सकते हैं बोला। बाकी ये तो बंद है, चीमा इंडोर रॉक वॉल बता तो। अरे यार रॉक वॉल था यार यहाँ पे, शिट मेरे को यही तो देखना था। ये तो गाइस दिस इज द रॉक वॉल, इंडोर कुछ ऐसा दिखता है। फिलहाल बंद है वरना मैं दिखा देता। सो इंडोर वाला तो बंद था और वहाँ पे ना रॉक वॉल था। सो यहाँ से दो रूट है, एक ऊपर की तरफ जाने के लिए एंड कुछ यहाँ पे दिख रहा है माउंटेनियरिंग एडवेंचर एंड फिल्म शो करके। ओके सो यहाँ पे ये सब भी देखने को मिलेगा आप लोग को। आई गेस इसका भी टिकट लेना है। टिकट है, टिकट ही है, सी टिकट काउंटर है इसका। एंड वो क्रिसमस ट्री बनाया यहाँ पे देखो। एक मिनट सी, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है अच्छा खासा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सी जयाल हॉल ये इस प्लेस का नाम है। सो ओवरऑल इतना है एंड आप चाहिए तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। सी मेरे क्रिसमस का अच्छा खासा ट्री है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे टूरिस्ट नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट ऐसा लिखा है। एक चीज़ है वहाँ पे जो मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे ही इंस्टीट्यूट एक्चुअल वाला
एंड काफ़ी सारे रूम्स वगैरह दिया है, एजुकेशन रिलेटेड है, और यहाँ पे रोप दिया ताकि अंदर नहीं जा सके। तो वहाँ पे है मेजर एनडी जयाल, इनके ही नाम पे ये हॉल है। एक काम करता हूँ, यहाँ से ऊपर निकल जाता हूँ, ऊपर का दिखाता हूँ क्या क्या है देखने को। सी बना है तो बहुत सही है यहाँ पे। अरे अपना पब्लिक एकदम ऊपर पहुँच गया है। वहाँ पे आई गेस कुछ मंदिर है, वहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। देवी का मंदिर है शायद। वहाँ पे म्यूजियम है। देखो सीन ऐसा है कि अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा पैसा देके सारे एक्टिविटीज़ करके अपना दिन एकदम सही बना सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको कम से कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है। दिस इज द म्यूजियम। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा है, मेरा जाने का मतलब नहीं है वहाँ पे। सी वाओ, हॉल ही बना दिया है यहाँ पे। तो वहाँ पे लव का सिंबल है, आई डोंट नो क्या है, क्यों है, कौन सा वाला है। बट ओवरऑल वहाँ पे एक स्टैचू है, एंड यहाँ पे एक सोवेनियर वाला शॉप लग रहा है मुझे। और बिल्डिंग पे तो नो एंट्री दिया है, स्टाफ ओनली बताया है। अच्छा लाइन लगी है उधर। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिया है सी, एंड यहाँ पे है एडमंड हिलारी का स्टैचू। सी वाव कितना ब्यूटीफुल है, देखो यहाँ पे ये साइन भी है, इसका बहुत बड़ा लाइन भी लगा है। सो अभी जस्ट मैंने म्यूजियम कवर किया है, वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था इसलिए नहीं किया, बाकी इट्स रियली वर्थ इट। एवरेस्ट के रिलेटेड बहुत कुछ था वहाँ पे, तो आओगे तो ज़रूर देख लेना एक बार, फ्री था वैसे। सो यहाँ से तो निकल लिए हम, अब बाकी जो बचा हुआ जू है वो देखते। हाँ तो दूसरा एक ऊपर जाने का रास्ता था, सो वहाँ से ऊपर चढ़ते ही आपको बाकी थोड़े जानवर दिखेंगे। यहाँ पे ऑर्चिड वॉल करके दिया है, ऑर्किड वॉल। वॉल में कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल ही है, कोई जानवर तो दिख नहीं रहा है। कीप साइलेंस लिखा है, बट सब शोर तो मचा ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बोर्ड दिया है कि कौन सा कहाँ पे है। सो हमारा ऊपर का तीन बचा है तो तीन देख लेते, देन हम नीचे का जाएंगे। ओह यहाँ पे तो और भी है ऐसी, चल देख लेते ऊपर क्या देखने को मिलता है। ओके वही ऑर्किड वॉल वाला पार्ट था, यहाँ पे कोई जानवर तो दिखा नहीं मुझे। बाकी राइट साइड में दिया है, सॉरी लेफ्ट साइड में दिया है सर। क्या है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है क्या? ओ स्नो लेपर्ड, कौन सा लेपर्ड है ये? कॉमन लेपर्ड। ओके वो देखो वहाँ पे लेपर्ड था। लेपर्ड से हम आ गए हैं यहाँ पे, कौन सा जानवर है, डू नॉट टीज द एनिमल, दिख नहीं रहा है। अच्छा वहाँ पे देखो ब्लैक कलर का पैंथर है शायद। ये पैंथर है ना? तो अभी हमने देखा पैंथर और एक लेपर्ड, ये दो तो हो गए, अब बाकी देखते हैं। यहाँ पे ना अच्छा खासा केज दिया है। किस चीज का है ये? ओ यहाँ पे बर्ड्स है सी। बर्ड्स का नाम भी दिया है, सिल्वर पेसेंट एंड रोसेटा कॉकाटू, ये दो है इसमें। देखो भाग रहा है वहाँ पे सी। सो एक था, उसके अलावा यहाँ पे है छोटा छोटा बर्ड्स, कोकटी है यहाँ पे कोकटी, और नॉर्मल पैरट भी है एंड गोल्ड पैरट भी है यहाँ पे। ये
ये दो था उसमें, एंड उसके अलावा यहाँ पे आई गेस कौन सा बर्ड है समझ में, इधर है क्या? ओके ओके ओके, ये तो कवर कर ही सकता हूँ। बाकी वो वाला बर्ड भी देख लिया हमने, है क्या कोई, कोई नहीं दिख रहा। इधर अश्विनी है, इधर अश्विनी है, सो उसके अलावा यहाँ पे एक और है, बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। उसके ठीक पीछे ये था, कितना मस्त कैक्टस है ना, वैरायटी ऑफ कैक्टस। सी यहाँ से क्या दिख रहा है क्या पता। मस्त लग रहा है, आई गेस यहाँ पे है टाइगर। सो गाइस वहाँ से तो निकल गया, ये जो बड़ा सा पार्क दिख रहा है ना वहीं पे गया था अभी टाइगर देखने के लिए। सो उसका बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बाकी सबको छोटा सा स्पेस दिया है और उसको बहुत बड़ा स्पेस दिया है। सो गाइस ये रूट है एग्जिट का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वाइट कलर का बंदर है, देखो उधर। एनीवेज प्लीज डू नॉट फीड। एक्चुअली अभी ना एक ही चीज़ बचा है, वो है रेड पांडा, जो सिर्फ यही पे है, आई मीन इंडिया में सिर्फ यही पे है रेड पांडा इन जू। सो वो तो देखना ही पड़ेगा राइट, तो चलते हैं। सी एक मेन चीज़ तो हम लोग ने भूल ही गया था, दैट इज एशियाटिक ब्लैक बियर। ओ वहाँ पे दिखेगा, मैं दूसरे कैंप से दिखाता हूँ, बट मैं यहीं से एंट्री किया था और ये देखना ही भूल गया था, मतलब देख रहे थे लोग बट मेरे को समझा नहीं क्या है वहाँ पे। एक्चुअली एंट्री के ठीक लेफ्ट साइड में, देखो एंट्री जो राइट साइड से आ रहे पब्लिक वो एंट्री था, एंट्री के ठीक लेफ्ट साइड में हमें ऊपर जाना था रेड पांडा देखने के लिए। ये वाला रेड पांडा है, हम यही देखने जा रहे। सो लास्ट पॉइंट पे आए जहाँ पे हमें मिलेगा रेड पांडा, रेड पांडा वाला पॉइंट भी आ चुका है गाइस। सी ये क्या रेड पांडा, आ जा। आई गेस ऊपर भी है रेड पांडा, तो इंस्टेड ऑफ देयर हम ऊपर जाके देखते हैं। हाँ यहाँ पे तो बहुत सारा है, सी वहाँ पे एक है, वहाँ पे एक था। हाँ तो रेड पांडा भी देख लिया हमने,
ऐसा बोला था है, ऐसा बोला जाता है कि रेड पांडा सिर्फ इधर ही है, सो देखना तो वर्थ इट था। बाकी यहाँ पे कुछ कांच वाले घर दिख रहे, पता नहीं इसमें क्या है, नो आइडिया इसमें क्या है। ओ यहाँ पे किसी चीज़ का है, आई गेस रेप्टाइल्स का है, सांप वगैरह का है, सिर्फ वहाँ पे सांप का सिंबल दिया है, तो हो सकता है रेप्टाइल्स का हो। बाकी देखो सब हो चुका है ये लोग का, क्या बोलते हैं पब्लिक, हो गया आज का भाई। तो घूम रहा है ना, अंडा देखा क्लोज में देखा, इतना एकदम घूम रहा है रेड पांडा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सल्फर क्रस्टेड कोकाटू, वो वहाँ पे है, इसके बारे में दिया भी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स वो जूम नहीं होने वाला। सो उसके बाद यहाँ पे एक और है पैरेट का, ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ। इसके बारे में भी दिया है आपने, जितिन आ रहा है ना आगे चलना, आप रेड ब्लू इसको क्या बोलते हैं, पैरेट है, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू पैरेट है। यहाँ पे जंगल कैट करके दिया है, जंगल कैट, अरे यार है मेरे घर पे भी है वो, देख सॉरी। अरे सही है, नहीं नहीं जंगली थी। सो उसके बाद एक और केज है, उसमें कुछ नहीं है शायद, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा है। बाकी देखो ऊपर जा रहे हैं हम, एक साइड सनराइज होता है। ओ लेपर्ड कैट है यहाँ पे, लेपर्ड कैट, आणि तो सनराइज जो येतो ना त्या त्याची पहिली रेस डायरेक्ट कॅचर पडते त्यांचं नाव। सी लेपर्ड कैट नहीं दिख रहा लेकिन, सो ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस। सी अरे कितनी है, कितनी है। बाकी ये एंडिंग है इसका, यहाँ पे फाइनली कुछ होगा मेरे हिसाब से, टेमेनिक ट्रैक गोपान करके, ये भी बर्ड ही है, इसका भी कुछ नहीं दिया है। सो दिस एंड्स हियर, यहाँ पे है खलीज पेसेंट, एंड यहाँ पे है ग्रे पीकॉक। हाँ जो दिख भी नहीं रहा है। सो गाइस हम लोग ने जू तो कंप्लीट कर लिया, अभी ऐसे निकलेंगे बाहर, छोटा सा एक मार्केट है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद सीधा अपना कैप में।